नमस्ते आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जिसने कभी मेरे साथ शो किया था टॉकिंग लाइक अ प्रो कांग्रेस वॉइस और फिर कुछ महीने बाद फिर हमारे शो में आया शायद डेब्यू भी तभी था ना बिल्कुल ऑफ द बीजेपी शहजाद शहजादाला इनको कौन नहीं जानता आज तो नाम सब जगह इनके ही चर्चे हो रहे हैं हैं सब जगह वायरल हो रहे शहजाद नमस्ते गुड गुड टू हैव दिस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मुझे हमेशा आनंद आता है आनंद के साथ <laughs> चाहे पुराने चैनल में हो या नए चैनल में हो देखो मैंने पार्टी बदली आपने चैनल बदला <laughs> पर काम आपका भी वही है कि ईमानदारी से पत्रकारिता के माध्यम से जनता के पास राइट पर्सपेक्टिव को पहुंचाना और मैं भी जो राइट समझता हूँ वो हमेशा करता हूँ चाहे वहाँ था यहाँ था आ, तो राइट कहाँ पे लग रहा है आपको लग रहा है जो डिसीजन आपने कुछ साल पहले लिया एडी चोटी का जोर लगा कि आपने मेहनत तो की है नेशनल स्पोक्स पर्सन है आप आज बीजेपी के और एक युवा चेहरा बनकर आप प्रखर वक्ता भी हैं पर आपको लग रहा है जो मेहनत आपने की जो एफर्ट लगाया हैज़ इट बीन वर्थ इट सो फार मैं अगर आपसे पूछू बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपने व्यक्तिगत हित या अहित से मैं प्रेरित नहीं था कांग्रेस पार्टी में मेरी मूल समस्या ये थी कि वहाँ पर मेरिट को नहीं परिवार को तरजीह दी जाती थी इट वॉज नॉट परफॉर्मेंस इट वॉज परिवार एंड दैट एटीट्यूड दैट एलिटेस्ट कल्चर दैट कल्चर टू नॉट रिगार्ड मेरिट इज प्रेविलेंट इन एंटायर इंडिया अलायंस ऑल्सो रिसेंटली यू सॉ डी एम के हैज एलिवेटेड उदयनिधि स्टैलिन मतलब hmm. एक और सनराइज और ये सनराइज के चक्कर में सनसेट होता जा रहा है पार्टी का But as बट एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न यू विल से बट इन बीजेपी ऑल्सो are, many who, are who are sons and daughters of leaders. I don't have a problem with that. Rahul Gandhi has a right to be in politics, just like I do constitutionally. उसको भी अधिकार है मुझे भी अधिकार है But the problem is कि आनंद देखो आप ये शो कर रहे हो आपका जो बच्चा है वो भी हो सकता है जर्नलिज्म में हो सकता है सी एन एन न्यूज एटीन में hmm. पर आनंद बोले कि नहीं अब मैं सात बजे का शो एंकर कर रहा हूँ मेरे बाद आनंद जूनियर करेगा उसके बाद आनंद जूनियर जूनियर करेगा परिवारवाद होता है कि अपनी जगह को ऐसे स्थापित कर देना कि और किसी का मेरिट हो ना हो केवल वही फैमिली डायनेस्टी चलती रहेगी वही चीज इन पार्टियों में है डीएमके में में करुणानिधि स्टैलिन उदयनिधि आरजेडी में लालू राबड़ी तेजस्वी मुलायम अखिलेश शरद सुप्रिया कांग्रेस में सोनिया राहुल पीडीपी में भी है एनसी में भी है बीजेपी में आप देख लीजिए पिछले 45 साल

ग्यारह से अधिक हमारे नेशनल प्रेसिडेंट्स बदले गए hmm. और आने वाला प्रेसिडेंट कोई नड्डा जी का बेटा नहीं है आने वाला प्रेसिडेंट अमित शाह जी का बेटा नहीं है hmm. मैं भी बन सकता हूं hmm. कोई और भी बन सकता है hmm. तो ये जो मेरिट को जगह मिलती है प्लेटफॉर्म मिलती है दैट इज इन द बीजेपी बीजेपी में देर इज फियर्स कॉम्पिटिशन बट देर इज रिक्शन फॉर मेरिट

2019 की परिस्थिति और सर्कमस्टांसिस अलग थी और 2024 में पॉलिटिकल रियलिटी और सर्कमस्टांसिस अलग है एक पॉलिटिकल पार्टी एक जीवित डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है विच एडेप एंड टू अडोप्टी प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस hmm. तो आज जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से बीजेपी उस तरीके से अडेप्ट कर रही है पर देर आर सर्टन लक्षण जो कुछ लक्षण है आप देखिए दो से वही है 2014 में मोदी जी हैड फुल मेजोरिटी येट ही यूज टू लिस्न टू एलाइस मेन अकाली दल वॉज पार्ट ऑफ आर गवर्नमेंट अदर पीपल ऑर ऑल्सो रामदास अठावे जी वॉज अटर रामविलास पासवान मिनिस्टर टू थाउजेंड नाइनटीन थ्री हंड्रेड थ्री क्या जरूरत थी रामविलास जी को बनाने की मंत्री हमने फिर भी रामविलास पासवान जी को मंत्री बनाया और आज जब 240 है और NDA की सरकार है इन सेंस क्लैरिटी है कि नहीं या पार्टी भी थोड़ा सा diffused, लग रहा है। एक प्रश्न ये दूसरा प्रश्न कि पार्टी में आपका स्थान क्या है क्योंकि आप एक हिंदुत्व पार्टी कोट एन कोट हिंदुत्व पार्टी में मुस्लिम चेहरा है तो क्या कभी आपको ये कहा गया यार तुम माइनॉरिटी वाला काम कर लो उसमें खुश रहो तुमको नेशनल स्पोक्स पर्सन करने की क्या जरूरत है या फिर देखो यार ये मंदिर का मसला है तुम मत जाओ डिबेट में कभी आपको ये कहा गया तो सेकेंड सवाल का पहले जवाब देता हूँ फिर पहले जवाब सवाल पे आता हूँ भारतीय जनता पार्टी आपका क्या बैकग्राउंड है आप किस कम्युनिटी से हो इस पर जज नहीं करती वो केवल आप में कितनी टैलेंट और मेरिट है उस पर जज करती है अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का मौका नहीं मिलता मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे में डाल देते अगर डालना ही था अगर ट्रॉफी बना के अब जैसे आजकल कुछ सांसद भी ट्रॉफी सांसद बने हैं जिनकी राम में कोई आस्था नहीं जो राम मंदिर में नाच गाना प्राण प्रतिष्ठा में देखते हैं वो उस सांसद को कोट करते हैं जो फैजाबाद की सीट जीता वो ट्रॉफी बन के घुमा रहे मैं ट्रॉफी नहीं हूँ मैं एक नट और बोल्ट की तरह हूं जो काम का है तो hmm. इसीलिए पार्टी को जहां लगता है वहां पे मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं पहले तो हिंदुत्व जो है इट इज नॉट एंटी मुस्लिम हिंदुत्व की परिभाषा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जीवन शैली दिस इज व्हाट द बीजेपी आल्सो बिलीव्स सुप्रीम कोर्ट के जो परिभाषित हिंदुत्व में हर धर्म के hmm. हर धर्म फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड वैसे धर्म इज नॉट द राइट वर्ड हर पंथ के hmm. या हर पूजा पद्धति के व्यक्ति को जगह है hmm. इसमें कोई संदेह की बात नहीं है हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमने सेकुलरिज्म की परिभाषा को ही टर्न ऑन द हेड कर दिया और सेकुलरिज्म को हमने बोला कि इट शुड बी धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष हो सकते हैं क्या पंत निरपेक्ष होना चाहिए। हम पंथ निरपेक्ष हमारे सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है जहां धर्म है वहां विजय है यथो जय जय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रभु श्री राम के चित्र है प्रभु श्री कृष्ण के चित्र है गुरु हमारे ग्रेट गुरुस के चित्र है छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र है है तो तो ये नहीं। नहीं। तो धर्म है, जो धर्म के साथ नहीं है वो राजनीति में नहीं होना चाहिए महात्मा गांधी भी तो राम राज्य की परिकल्पना करते वो सांप्रदायिक थे तो राम और कृष्ण या हिंदू वे ऑफ लाइफ ये तो मेरी संस्कृति का हिस्सा है कुछ इस प्रकार से कि बिल्डिंग पे ग्रीन पेंट लगाने से बिल्डिंग की फाउंडेशन चेंज हो जाती है क्या अरे ऊपर से लीप अप होती है इंडोनेशिया में आज सबसे ज्यादा रामलीला क्यों मनाई जाती है भाई धर्म उनका रिलीजन बदला पर संस्कृति नहीं बदलती और इसीलिए सांस्कृतिक रूप से जो कल्चरली नेशनलिज्म है उसका तो मैं हु। तो मैं बीजेपी मुझे क्यों किसी तो प्रकार तो से डिस्क्रिमिनेट तो ये, ये, ये बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं क्योंकि इसमें कही कहीं ना कहीं सावरकर का भी ये थॉट है कि आप किस पद्धति किस पूजा पद्धति को विषय मानते हैं इसकी आवश्यकता नहीं अगर अगर आप ये मानते हैं कि आपका आपके जो पूर्वज हैं वो इस भौगोलिक क्षेत्र जिसको कि भारतवर्ष आज कहा जाता है यहीं के थे तो आप हिंदू हैं दैट डेफिनेशन ऑफ हिंदू इसमें मानने में दिक्कत भी क्या है बाबर थोड़ी हमारा दादा था पर एक बात बताइए शहजाद आप जैसे कितने मुस्लिम युवा हैं जो भारत में ऐसा सोचते हैं देखिए सोचना चाहिए ये मैं कहूंगा कितने सोचते हैं मैं तो सर्वे वाला नहीं हूं ना मैं उसमें नहीं, पर आप भी तो आप जानते होंगे क्या आपको आपकी कम्युनिटी में या मुस्लिम मुझे आपको क्या पराया माना जाता है या आपको माना जाता है कि तुमने ईमान को बेच दिया कोई किसी ने कभी आपको कहा है मुस्लिम्स कभी आपको देखिए मुस्लिम से ज्यादा ये प्रतिक्रिया कांग्रेस से आती है कांग्रेस hmm. जो अपने आप को कांग्रेस मतलब उनका इकोसिस्टम जो अपने आप को बहुत प्रो मुस्लिम बताता है उनके पेट में बहुत दर्द होता है कि अगर कोई मुस्लिम कोई भी और पार्टी या विचारधारा को सपोर्ट करे डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो वो उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं सरकारी मुसलमान hmm. या वो लगा देते गद्दार मुसलमान या कौम का गद्दार ये कांग्रेस के लेबल है hmm. ये मुस्लिम समाज के लेबल नहीं है आप मेरे मुस्लिम कम्युनिटी में मैं आगा खानी हूँ शिया इसमाइली तो आप जाकर देखो तो मेरी कम्युनिटी री प्रोग्रेसिव वेरी प्रो बिजनेस वेरी प्रो डेवलपमेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर उस प्रकार के नैरेटिव्स जो वो करते हैं ना कांग्रेस वाले hmm. की ओहो हो, देखो हिंदू आ गया डरो आर एस एस आ रही है डरो ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता रिजेक्टेड hmm. है वो कांग्रेस को रिजेक्ट करते है इस प्रकार के नेरेटिव को क्योंकि उनको भी पता है कि कांग्रेस ने केवल गरीबी और दंगों के अलावा कुछ दिया नहीं मुसलमानों को ये हाशिमपुरा भागलपुर मीरठ मलियाना hmm. ये सब दंगे कब हुए कांग्रेस के लोग लेबल लगाते हैं और कांग्रेस के लोग क्यों लगाते हैं क्यों कांग्रेस को मुसलमानों के लिए एक काम नहीं करना है उनको केवल इतना चाहिए कि मुसलमानों अपनी टोपी डालो अपनी आइडेंटिटी के साथ बैठो सबसे गंदी जगह में रहो बिना स्कूल के रहो बिना डेवलपमेंट के रहो गलीगुचे में रहो केवल एक चीज करो कि जब चुनाव आएगा तो एकदम जज्बे के साथ hmm. वोट जज्बा hmm. वोट जज्बे के साथ जाकर वोट पे दवा दो बटन ऐसा दबा दो और केवल हमें जिता दो बाकी पाँच साल कुछ मत पूछो वोट जज्बा कर दो तो तो ये आ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा पर बहुत साल पहले एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने ऐसे ही अकाया उस वक्त में राजनीति में नहीं था मीडिया में नहीं था कहीं नहीं था नहीं। तो उन्होंने बस ये किसी बात है, बात हुआ तो मैंने कहा कि ये इतना ज़्यादा अपीजमेंट मैंने तो ऐसे ही एज एस अ स्टूडेंट पूछा कि मुस्लिम्स की तौर इतना अपीजमेंट इतना ये क्यों करना तो देखिये दे बोला उन्होंने कहा एक फिलोसफी है कि इनको बढ़ने दो लेकिन इनको बढ़ने मत देना तो ये उन्होंने ऐसे ही दिखाया उन्होंने ऐसे इनको बढ़ने दो संख्या growth, बढ़ने दो हाँ। लेकिन इनको सोशली बढ़ने मत देना तो ये आप भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं लेकिन फिर क्यों देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में नहीं उन्होंने कहा कि देखिए एक साथ एन मास वोटिंग बीजेपी के खिलाफ हुई तो आई एम आस्किंग यू आई सम्बडी एज अ मुस्लिम यूथ नागा खानी लाक्यू से इन बीजेपी कि क्या बीजेपी वाकई में इतना uh, क्या कहते हैं हिंदू ओनली है या एक्सक्लूसिविस्ट है कि जो मुसलमानों के बीच में है कि भाई इनसे हम सारे बेनिफिट्स लेंगे लेकिन इनको वोट नहीं देंगे ये क्यों है इसमें तीन एस्पेक्ट्स को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ पहले तो देवेंद्र भाओ ने जो भी बोला है उन्होंने तो फैक्चुअल विश्लेषण वही किया है जो आपके चैनलों पर चलता है लोकनीति का और बाकी आप सर्वे दिखाते हो आप ही दिखाते हो 85% मुस्लिम्स परसेंट मुस्लिम वोटेड फॉर वन पार्टी 95% वोटेड परसेंट फॉर वन पार्टी फलाने बूथ में घर पहुंचा नल पहुंचा शौचालय पहुंचा वोटेड फॉर वन पार्टी एक वोट नहीं आया तो ये फनाटिकल जो इसको कह सकते हैं मोबिलाइजेशन नॉट इन एनी अदर सेंस ऑफ द वर्ड फेनेटिकल मोबिलाइजेशन मतलब कि मुझे मेरे भले के लिए भी हो मैं जाके उसके खिलाफ जाना चाहता हूँ ये फैनेटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है ना समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला ना वोट जिहाद करो कई बार कमलनाथ से लेकर सिद्धू से लेकर अलग अलग, अलग कांग्रेस के नेताओं ने बोला ना कि एक मुस्ट हो जाओ वरना हम बर्बाद हो जाएंगे और इनका क्या है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो सॉरी टू से मीडिया भी ये करता है हिंदू का वोट क्या होता है जाट वोट ब्राह्मण वोट ठाकुर वोट क्षत्रिय वोट मैं, मैं, मैं क्षत्रियोजी से मजबूरी है क्योंकि इसी तरह से आंकड़े आते हैं मुस्लिम हिंदू सब बटे होते हैं मुसलमानों में फिर के नहीं होते हैं वही मैं कह रहा हूँ क्या मुस्लिम एक अरे सबसे ज्यादा दंगे सुधांशु जी अब जिस बार आएंगे आपके इस पॉडकास्ट पर वो

सेकेंडली आपने बोला कि क्या बीजेपी इतनी एक्सक्लूसिविस्ट हिंदू पार्टी है क्या मैं आपको एक चुनौती मतलब आपको मतलब आपके पूरे संस्थान को या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को चुनौती देता हूं हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया 11 करोड़ टॉयलेट बनाए 12 करोड़ नल से जल दिए हमने 50 करोड़ अकाउंट खोले 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत दिया एक उदाहरण ये डेढ़ सौ करोड़ का हम लोगों ने डिलीवरी किया है एक इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण जहां पर एक मोहम्मद आकर बोले कि मैं मोहम्मद हूं इसलिए नहीं मिला मोहित को मिला अब्दुल को नहीं मिला आनंद को मिला शिल्पा को मिला सुल्ताना को नहीं मिला अगर एक एक ओनली वन चुनौती है मेरी एक लेकर आकर दे दे उल्टा मैं आपको आज क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट है मैं आपको बताता हूं प्योरली सेक्युलर गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल बीजेपी तो बिचारी वहां आई नहीं कभी गुजरात में तीस पैंतीस साल से केवल बीजेपी अब दोनों बीजेपी रन गुजरात और बंगाल ृणमूल लेफ्ट कांग्रेस एंड बंगाल इंडाइसिस ऑफ हेल्थ इंक्लूजन ऑफ इंक्लूजन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स इंक्लूजन फिर अपना जो मंथली इनकम इन चार पैरामीटर्स पे मुस्लिम ऑफ गुजरात एंड मुस्लिम ऑफ बंगाल को कंपेयर करो हर इंडेक्स पे मुस्लिम ऑफ गुजरात बेटर मुस्लिम ऑफ बंगाल इन फैक्ट नाइन परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन इन गुजरात नाइन परसेंट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स ट्वेंटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन बेंगाल टू परसेंट पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब तो बीजेपी नहीं असलियत में सबसे बड़े एंटी मुस्लिम दल ये इंडिया अलायंस के लोग है क्योंकि hmm. ये दल ना जाति के है वो उस जाति के भी नहीं है भाई मुलायम सिंह यादव जी ने कौन से साधारण यादव को बनाया है hmm. कोई साधारण यादव को बना रहे हैं वो कौन बन रहा है अखिलेश यादव अखिलेश के बाद डिंपल यादव डिंपल के बाद रामगोपाल यादव रामगोपाल के बाद शिवपाल यादव शिवपाल के बाद अक्षय यादव अंशुल यादव, यादव तेज प्रताप यादव यही है hmm. लालू के बाद राबड़ी यादव राबड़ी के बाद तेजस्वी तेजस्वी के बाद मीसा मीसा के बाद तेज प्रताप ये यादव के भी नहीं है ये मुस्लिम के भी नहीं है ये अपने परिवार के है सिंपल अपने परिवार के है ये द्रविडियन मूवमेंट बोलते हैं द्रविडियन मूवमेंट क्या क्या स्टैलिन परिवार तक समाप्त है क्या स्टैलिन के जूनियर स्टैलिन के आगे उनको दिख नहीं रहा द्रविडियन मूवमेंट सनातन समाप्ति की जो बात कर रहे वो एनी anyway, वे तो मुझे लगता है कि ये लोग एक्चुअली में सबसे ज्यादा एंटी मुस्लिम एंटी अपनी जाति है और बीजेपी सबसे ज्यादा प्रो मुस्लिम मैं आपको बताता हूं कैसे बीजेपी hmm. जब सत्ता में आई 2014 में व्हाट इज द क्योंकि आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आपका एक रुझान है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन इन दिस कंट्री इज ऑफ आई बी डायरेक्टर आई बी डायरेक्टर आसिफ इब्राहिम मोदी डिड नॉट चेंज आसिफ इब्राहिम

ग्राउंड पर आज हम लोगों को क्यों देख रहे हैं जो पेलेस्टीन के लिए खड़े हो जाते हैं ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड हो जाता है भारत में लोग उसके लिए आंसू बहा रहे हैं आज शिया अपसेट हैं क्योंकि वहां क्या हो रहा है उनका रुझान अभी भी वहां वो लोग अपसेट हो रहे हैं जो दुनिया के नहीं? मैप मैपे लेबनान नहीं बता सकते दुनिया के मैप में पैलेस्टाइन का है वो नहीं बता पाएंगे वो आकर बाइट दे रहे हर घर से नसरल्ला निकलेगा पर मैं यही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और एंड आई एम सेलिंग यू कि ये म्योरली पॉलिटिक्स आपको लगता है शहजाद बिकॉज यू ट्रैवल द कंट्री आप देश भर जाते हैं आप कई समाज के कई लोगों से मिलते भी हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मनस में घुस गया है एंड इट्स अ कॉज फॉर वरी मैं चिंतित हूँ मैं चिंतित हूँ क्योंकि अगर ये केवल एक पोलिटिकल राइवलरी तक सीमित रहता कि चलो बीजेपी पसंद नहीं ठीक है बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद हो सकती है चलो मोदी पसंद नहीं योगी पसंद नहीं ठीक है तो डेमोक्रेसी हैज नाउ बिकम आई वुड से वेमस थियोलॉजिकली सो कॉल्ड थियोलॉजिकली बैक्ड बट ऑब्वियसली रॉन्गली गाइडेड आइडेंटिटी ऑपोजिशन इट इज लार्जर आइडेंटिटी बेस्ड गलत तरीके से गुट्टी पिलाई गई थियोलॉजी की वो वाला ऑपोजिशन आपको उदाहरण देता हूं इस देश में भारत माता की जय के नारे पर कोई विवाद नहीं था कभी नहीं भारत माता की जय बीजेपी से कई वर्षों पहले आई वॉज डी तो फ्रीडम मूवमेंट और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से लगाते थे आज वो भारत माता की जय से विरोध करने लगे वंदे मातरम का विरोध करने लगे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का विरोध करने लगे मैं नहीं उठूंगा नेशनल एंथम पर बीजेपी का विरोध नहीं है ये बीजेपी का विरोध तो मैनिफेस्ट होता है इलेक्शंस में करेक्ट वहां और वो थोड़ा सा क्योंकि मीडिया के लिहाज में एनालिसिस में इजी है उसको गेज करना पर वो शुरू वहां से होता होगा पर वो समाप्त तो वहाँ नहीं होता वो जा रहा है एक लार्जर आइडेंटिटी बेसिस पे जय जह, जहाँ पर आपको इतना जहर करके ब्रेन वॉश जॉम्बी जॉम्बी स्थिति में लाया गया है कि यू आर ब्लाइंडली हेटिंग एंड यू आर थिंकिंग दैट एनी बडी अदर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड इट इज गोइंग टू दैट आम्बेडकर जी ने अपनी किताब में पार्टीशन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो किता है कोट करते रहते हैं वो सही कोट करते हैं उन्होंने उसमें बताया है कि इट हैज बिकम एन एक्सक्लूसिविस्ट क्लब जिसमें एंट्री केवल एक ही जो मेरी पूजा पद्धति को फॉलो करता है उसी की है भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब सब ठीक है तो तो इसमें सारे फिरके अलाइं इस्लाम में जितने और मुस्लिम फिर बहत्तर के बहत्तर तिहत्तर फिर यहाँ पर साहब अगर होते तो हाँ। मुझे बताइए की एक चीज आप नोट इस थॉट प्रोसेस में मैं मैं कह रहा हाँ। वही कह रहा हूँ देखो या क्या, क्या बोरी मुस्लिम आगा खानी इस्माइली आपने कहा आप अहमदी को पकड़ ले अहमदी को तो सुन्नी मुसलमान भी नहीं मानते हैं हाँ। तो वो, वो अलग अलग ज्यादा आगा खानी और शिया कहाँ मारे जा रहे हैं भारत में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहमदियों पे टॉर्चर कहा हो रहा है

ये जो ग्लोबल मुस्लिम सॉलिडारिटी और ग्लोबल मुस्लिम उम्मा कौम ये सब बातें होती है या यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे एक साथ आ जाना है यूनाइट हो जाना है ये कुछ सालों तक या कुछ जगहों तक तो हो जाता है बिकॉज hmm. आप उसको स्टार्ट जब करते हो वो मोबिलाइजेशन तब वो स्टार्टिंग में तो hmm. वो मोबिलाइजेशन का जो हफीम होता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है पर देन वैन द नशा वेयर्स आउट वो असलियत में आ जाता है जैसे यहां पर तो चलो बीजेपी से लड़ते हो आप विच इज अ डॉग विसल फॉर समथिंग एल्स इराक में किससे लड़ रहे हो ईरान hmm. में किससे लड़ रहे हो लिबिया में किससे लड़ रहे हो सुदान किससे लड़ रहे हो अफगानिस्तान में किससे लड़ रहे हो पाकिस्तान में किससे लड़ रहे हो लड़ने वाली पार्टी एक ही है hmm. यहां पे आप लड़ रहे हो बीजेपी आरएसएस से चलो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्मिनोलॉजी वहां पे आप लड़ रहे हो जूस से इसराइल में कहीं पर आप लड़ रहे हो कहीं और किसी से लड़ने वाली पार्टी एक क्यों है हमेशा ये एक्सक्लूसिव इट्स थॉट्स में जब आप चले जाते हो ना तो वो कहीं थमता नहीं यहाँ पर आप कहोगे बीजेपी इज माय एनिमी हिंदू माय एनिमी आरएसएस इज माय एनिमी अब वहाँ पे हो गया है कि सुन्नी माय एनिमी शिया इज माय एनिमी दिस इज़ माय एनिमी दैट इज़ माय एनमी इंडिया का स्ट्रेंथ ये था कि बहत्तर के बहत्तर फिरके यहाँ पर शांति से रहते थे अब वो भी खतरे में आएगा क्योंकि जो नफरत के बीच से आप स्टार्ट करते हो तो वो नफरत जो है फैलता 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 जाकर इतना बड़ा कैंसर बन जाता है कि ये जो आप कह रहे हो ना वो नहीं हो पाता मैं आपको उदाहरण देता हूं पहली बार जो ये ये जो यहां पे मुस्लिमों के लीडर बनते हैं ये कौन है ये लीडर आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए

और दूसरा जो होता है वो क्लास हाँ। डिफरेंसेस है जैसे पसमानदा क्लास जो है वो 85 परसेंट है वो गरीब, हाँ, गरीब है। से हैं घोसी हाँ। धोबी अंसारी और जो अमीर जो है जो अपने आप को सोचते हैं कि वो यहीं से नहीं है वो तो है ही विदेश से उनका प्योर ब्लड हाँ, वो जो, प्योर हाँ, ब्लड सैयद हाँ, हाँ, तो सेयद। वो सैयदीन परसेंट है फिफ्टीन है उन्हीं को बेनिफिट मिला है तो यानी वहां पर भी एलिटिज्म का गेम खेला गया पूरा यहाँ पे जितना नहीं है उससे ज्यादा वहां है साहब ऐसा है मैंने कई जगह देखा है जो अपने आप को सैयद मानते हैं और मैं सबके लिए नहीं कह रहा ये मेरा व्यक्तिगत एक एनेक्टोटल एक्सपीरियंस है उनकी मैंने बातें सुनी क्योंकि मैं तो पसमानदा कम्युनिटी से आता हूँ बट माई फैमिली वेल टू डू बिकॉज फादर्स एफर्ट्स वो कहेंगे कि हम किसी ब्राह्मण के साथ तो बैठ जाए hmm. पर इसके साथ नहीं बैठ सकते oh. ये तो उससे ज्यादा खतरनाक है भाई साहब और ये वैसे कहेंगे कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ते हैं एक थाली से हम खाना खाते हैं सब चीजें जो है ना ये सब दिखावटी है बनावटी है ऐसी hmm. कोई सोलिडेरिटी नहीं है एक दूसरे को वो जान के जाते। शिया का क्यों होता है, भाई? एक ही तो है ना एक ही प्रॉफिट हम सब मानते हैं तो क्यों झगड़ा करना है? हाँ, कुछ लोग को उसके बाद आप नहीं है पर वो नहीं कर सकते क्योंकि नफरत के बीच जहां एक्सक्लूसिविज्म और इससे उलट देखिए हिंदू फिलॉसफी क्या है हिंदू फिलॉसफी ये है कि तुम बोलते हो शिवजी महान है शिवजी की पूजा करनी करो कोई बोलता है विष्णु जी को करने और विष्णु जी में दोनों कंपटीशन भी करते हैं कि भाई शिव जी वाला बोलता है नहीं मैं शिव जी को इसलिए मानता हूँ विष्णु जी वाला बोलता है मैं उसको मानता हूँ तो थर्ड आदमी बोलता है आप दोनों मेरे महान है आओ सब साथ ने, ने मिलके ने, ने, जो क्रिटिसाइज करता ने, ने, है यानी कि हरि इज कृष्ण विष्णु एंड हर हरा इज शिव तो हरिहर तो नाम भी है कि भाई दोनों को जोड़ के आप दोनों को ही मान लो उसमें भी तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं पे है वो नहीं है कि वन थॉट वन बुक वन थिंग एवरीथिंग एल्स इज रॉन्ग यहाँ पर ये यह है असिमिलेशन का करेक्ट इट इज लाइक सब सब आकर बहकर आ जाओ सब हमारे हैं और यहाँ पर हमारा सब है hmm. हमारा सब है और सब हमारे में ये अंतर है ये अंतर है तो, ये और सेकुलरिज्म की गाड़ी भी वन वे ही चल रही है मैं आपको बता दू ये सारे लोग जो बोलते ना देश सेकुलर है नहीं हिंदू सेकुलर है हिंदू सेकुलर नहीं होता तो देश सेकुलर नहीं होता हिंदू hmm. के ऊपर चार कंधों पर सेकुलिज्म की कवरेड होने का मुझे लगता है लास्ट सेवेंटी फाइव ईयर्स से काम चल रहा है हिंदू hmm. अगर बोल दे कि मैं प्राउड हिंदू हूं तो योर कॉमनल कोई और बोल दे कि आई एम प्राउड मुस्लिम ओ हो सो इंक्लूसिव इंक्लूसिव है भारत इंक्लूसिव है हिंदू बोल दे कि भाई ये वक्फ का कानून ऐसा तो हमारे पास नहीं है सबका मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कानून होना चाहिए पर पर हिंदू के टेंपल टैक्स लगता रहे नहीं वो तो सेकुलर है भाई वो तो सेक्युलर है तो ये नहीं चल सकता ना ये ये सेक्युलरिज्म की गंगा एक ही दिशा में क्यों बहती है गंगा जमुनी भी दोनों हिंदू है जमुनी कौन सा मतलब इट्स नॉट गॉट फ्रॉम थिंग तो ये सेकुलरिज्म का ढार केवल एक कम्युनिटी क्यों ये ये सब नेहरू जी की सेकुलरिज्म की जो डिस्टॉर्टेड एंड आई वुड से परवर्टेड सेकुलरिज्म की जगह की वजह से हम यहां पहुंचे जो अभी एन रवि ने कहा गवर्नर साहब ने वो बिल्कुल सही कहा इट इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट था अगर वो ओरिजिनल होता तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स उसमें नहीं डालते अगेंस्ट असेंबली डिबेट्स में तो इस शब्द के बारे में आर्ग्यूमेंट्स भी की गई और कहा गया कि भारत का नेचर ऐसा नहीं है कि चर्च और स्टेट सेपरेट हो और इसीलिए इस सेक्यूलर शब्द तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम इंक्लूसिव हैं हम प्लुरलिस्टिक हैं हम सबको मानते हैं लेकिन हम सेक्युलर हैं नहीं और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भीमराव राम जी अम्बेडकर और बाकी सारे ने लोगों ने लोग, डिबेट भी इसको डिबेट भी किया था जो मूर्ख लोग इसका विरोध करते हैं दे आर एक्चुअली डिनाइंग ऑफ कंसिस्टेंट

करेक्ट नॉट एंड योर योर डेफिनेशन आई से दैट अगेन कि आप हिंदू अगर कह रहे हैं कि जो भी हिंदुस्तान का है यानी जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जिसके वंशज जो मानते हैं उसके पूर्वज हिंदू से हिंदुस्तान से या इस भारतवर्ष से हैं अभी समय अल्प है इसलिए मैं दो तीन प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा एक एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ शहजाद जब आप छोटे थे और जब अब अब आप काफी अब एक युवा चेहरा है आपको लग रहा है कि भारत में एक कल्चरल चेंज है

I feel that uh, the Holy Quran leaves a lot of space, I, and I differ with Anand Ragannahan here because he has a view of the Holy Quran, but the Holy Quran allows a lot of space for interpretation, which should be the case. Yeah. Uh, problem is that interpretations which are 1500, 1300 years ago are being superimposed on us. And I'll give you a uh, anecdotal example. My mother, she's a very well educated person. She when she was doing her college and education in a city like Pune. Uh, she never wore hijab. Hmm. She never wore any kind of scarf, anything, nothing. In my mosque also, nobody wears all this and comes. And now when she sees these debates where young girls are wanting to wear this into classroom. ट टू वेर समवेयर आउट साइड शी डा न प्रॉब्लम नो बड़ी एज अ प्रॉब्लम बट इट इज सो अनरियल फॉर हर एज अ मुस्लिम वुमन हु एजुकेटेड हर सेल्फ से ट्वेंटी फाइव थर्टी ईयर्स फोर्टी ईयर्स बैक दैट टाइम दे हैव नॉट वॉन दिस सो एंड दैट टाइम ऑल्सो वी नेवर सो पीपल वेरिंग दिस फोर्सेबल आइडेंटिटी मार्कर्स ये ना जान बूझ के, के पहनना ही पहन यह पहनना ये ऐसा नहीं था ये क्यों हुआ है क्योंकि आपको फियर बताया जा रहा है hmm. तो फियर और कुछ किया तो नहीं जा रहा है आपको ना बैंक अकाउंट खोल के दिया ना आपको बिजनेस खोल के दिया ना मुद्रा लोन दी ना टॉयलेट दिया ना कुछ दिया बचा क्या ईमान ईमान कैसे बचेगा टोपी डालने से एकदम वो वाला प्योर वर्जन फॉलो करने से प्योर वर्जन कौन बताएगा वो बताएंगे

ऐसे तो हमारे सड़कों पे बहुत सारे लेफ्ट के पार्टी के लीडर के नाम पे सीताराम था तो क्या आप सेकुलर वादी उसका नाम बदलेंगे क्या उनका अब तो वो नहीं रहे हमारे बीच में ये क्या नॉनसेंस है दिस वॉज नेवर द केस मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वर कंसिडर टू बी यूनिक बिकॉज दे पुट देयर कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स बिफोर एनी अदर एस्पेक्ट बट अनफॉर्चुनेटली दैट एंटायर प्रोसेस इज बिंग रिवर्स्ड इन द नेम ऑफ पोलिटिकल एजेंडा अगेंस्ट मोदी बट इट विल नॉट स्टॉप एट मोदी स्टिल प्राइम मिनिस्टर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मोदी जी पी एम रहेंगे hmm. तो लंबी उम्र दे उनको अल्लाह <laughs> तो, <laughs> हाँ वही <laughs> बोलने का <laughs> मतलब था उनका वो भी नहीं चाहते राहुल अब समझो ना जज्बात समझो उनके एनी anyway, तो मैं तो कह रहा हूं कि अब तो लंबी उम्र तक रहने वाले हैं हम तो चाह रहे कि सैतालीस तक वो विकसित भारत देखे तो तब तक मोदी जी रहेंगे तो मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक आप मोदी का विरोध करने में देश को मत बांटो अच्छा। और ये बटेंगे

और महाभारत तो की मेल जोन, जोन होता है बातचीत करते हैं कि कनेक्शन ही टूट गया हम लोग तो टीवी तो डिबेट में मिलते हैं एक आध कोई पॉडकास्ट में कोई गट्स करके दोनों को साथ बुला लेता है तो वो कर देते हैं कोई टीवी शो में बुला लेता है तो हम मिलते हैं और ऑब्वियसली बात है कि अब उनके घर पर एक मेरा भतीजा जन्मा है जुरवान तो ऑब्वियसली बात है कि मैं जुर्वान के हालचाल चाल खेले उनसे भी और जुर्वान की मोम मोनिका से भी तो मैं बात करता हूँ मेरी मेरी खुद की मोम से क्योंकि दादी है वो और उनको और अवसर मिलने नहीं वाला दादी बनने का तो मैं तो उनसे पूछते रहता हूँ तो ऑब्वियसली वो रिश्ता तो है बट देखिए हमारा क्लियर है कि महाभारत में भी तो लड़ाई कजिन के बीच में हुई ना कौरव पांडव आखिरकार ब्रदर्स थे और वो ब्रदर्स थे तब भी सिद्धांत के ऊपर लड़े तो वो भी वफादार है परिवार के प्रति मैं देश के प्रति हाँ।, हाँ पर इसी महाभारत में पंचाधिक शतम का भी प्रसंग है हाँ, पंचाधिक शतम का मतलब ये है कि वैसे तो हम एक दूसरे के खिलाफ है पर कोई भारी ताकत आएगी मतलब देश, देश के प्रति तो मुझे उम्मीद है कि हसन वाले विषय विषय पे पे या हमास को ये शहीद मानते उस वोट बैंक अपेक्षा है आपसे आप पूछता हूँ की अगले पांच साल में आप अपने आप को कहा देखते हैं अगले पांच साल चुनाव लड़ना चाहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरना चाहते हैं देखिए अगले पांच साल में मैं कहा अपने आपको देखता हूँ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑफ तो रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड दोनों बोलता हूँ जहां से मेरी शुरुआत हुई आई लॉस माई फादर एट एज ऑफ फाइव और सिक्स नो इन पॉलिटिक्स टफ लाइफ मदर रेजस वेरी टफ चैलेंजेस यहाँ पे मैं कांग्रेस ऑफिस बस पकड़ के आता था तब मेरा अल्टीमेट गोल इन लाइफ वाज अल्टीमेट से अल्टीमेट गोल कि कम्युनिकेशन में मेरी रुचि थी मेरी कैपेसिटी थी उसमें कुछ करना है hmm. मैंने कांग्रेस के लिए सब कुछ किया अपनी जिंदगी के बेस्ट इयर्स लगाए कांग्रेस ने कभी मुझे मौका नहीं दिया और वैसे भी वो जिस राह पे चल पड़ी थी परिवारवाद और बाकी चीजों में भाजपा ने मुझे डे 1 पे बना दिया प्रवक्ता द डे आई जॉइंड बीजेपी 21 नवंबर 19 2021 आई वाज मेड द स्पोक्सपर्सन और ऊपर वाले के और भगवान राम के आशीर्वाद से आज मैं जहां हूं मैं हूं तो मुझे लगता है कि मुझे तो भाजपा ने एंट्री पॉइंट पे ही वो सब कुछ दे दिया जो आई कुड आस्क फॉर तो मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है पर हाँ मेरी ख्वाहिश ये जरूर है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश की जो एक विकास की यात्रा है उसमें कभी भी गतिरोध पैदा ना हो और वो गतिरोध पैदा करने वाली ताकतों के खिलाफ मुझे लड़ने के लिए शक्ति मिलती रहे तो पांच साल बाद और शक्ति से लड़ना है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सपन को पूरा करना है कि वो तब तक जीवित रहें जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, बनते रहे बनते रहे बनते रहे बनते रहे तो उनके उस लक्ष्य को अभी पूरा करने का मेरा अगर आप इसी मार्ग पर चलते रहे तो फिर हम वापस बहुत शीघ्रस्त शीघ्र फिर बैठेंगे फिर बात करेंगे फिर एक चर्चा करेंगे बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली इंशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा आपके अच्छा साथ अच्छा लगा आपके साथ, साथ भी बात करके शहजाद धन्यवाद आपका आनंद जी थैंक यू सो मच बहुत thank you. बहुत धन्यवाद थैंक यू जय हिंद जय भारत नमस्ते